ओके सो पीस ब्रोस, ये है रॉयल एनफील्ड हिमालयन BS4 वर्जन 2018 मॉडल, और रॉयल एनफील्ड ने 2021 में BS6 वर्जन लॉन्च किया है कुछ नए फीचर्स के साथ, और उसकी प्राइस में भी थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ है। लेकिन मार्केट में बहुत ही ज़्यादा हाइप क्रिएट हो चुका है उस बाइक को लेके, क्योंकि लिटरली 4 से 5 महीने का वेटिंग चल रहा है। सो वेट इज़ फाइनली ओवर टूडे, वी आर वेरी एक्साइटेड टू टेक डिलीवरी ऑफ रॉयल एनफील्ड हिमालयन BS6 वर्जन 2021। BS6 वर्जन में क्या क्या नया फीचर्स ऐड हुए हैं, एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस क्या है विद पेनियर सेटअप, और छोटा सा वॉक अराउंड आपको इस वीडियो में दे दूंगा मैं। सो स्टे ट्यून लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोलिंग पीस। और गर्मी बहुत ज्यादा है तो बाइक पे नहीं जा रहा मैं, गाड़ी में जाता है। बेचारी अपनी गाड़ी धूल मिट्टी हो रखी है भाई, ये सब अभी मैंडेटरी हो गया गाड़ी में कैरी करना, चलान कटता है ना भाई। हिमालयन का BS3, BS4 और BS6 सभी वर्जन अपने राइडिंग ग्रुप में है, लेकिन 2021 मॉडल अभी तक किसी ने लिया नहीं है, पहला है, तो उसी वजह से भी एक्साइटमेंट थोड़ी ज्यादा हो रही है। और ये अपने मीर बाबा आ गए हैं, रिटर्न में अगर गाड़ी बाइक लेके आना हुआ तो कोई चलाने वाला भी चाहिए ना, तो दो लोग तो चाहिए होंगे, क्यों भाई? सही है। ओके गाइस, तो पाडोली रॉयल एनफील्ड पे पहुंच चुके हैं हम लोग। यहाँ पे चमचमाती अपनी हिमालयन डिस्प्ले पे रख दी है, रेडी टू डिलीवर। सस्पेंस ज़्यादा नहीं खेलता है, जो डिलीवरी लेने वाला है परीक्षित उससे मिलवा देता हूँ। अगर आपने सोनगढ़ वाला व्लॉग देखा है, गुजरात डायरी से सोनगढ़ का व्लॉग देखा है, तो आप मिले ही होंगे परीक्षित से। सो ओवर टू हिम, वो आपको बता देगा कि नई वाली BS6 2020 मॉडल में BS4 से क्या क्या डिफरेंस, नए नए फीचर्स क्या क्या ऐड हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी फॉर डिलीवरी एंड बिग कॉन्गो फॉर ब्रांड न्यू BS6 हिमालयन कॉन्गो ब्रो। जैसे कि आप देख रहे हो, पहला मेजर जो अपडेट है वो विंडशील है, तो पहले वाले से थोड़ा ब्रॉड किया हुआ नीचे से, और हाइट भी थोड़ी बढ़ाई है। और सबसे ज़्यादा जिसकी वेट कर रहे थे ट्रिपल नेविगेशन, ये वाला मीटर, ये मेजर अपडेट है 2021 मॉडल में BS6। गूगल से कनेक्ट हो जाता है ना? यस, गूगल में आपसे डायरेक्ट कनेक्ट होता है। और एज यू कैन सी, ये वाला जो साइड ग्रिल थी ये यहाँ तक आती थी, जो टॉल राइडर है उसका लेग यहाँ पे लग जाता था, इसीलिए उन्होंने ये वाला शॉर्ट कर दिया है। ओके, जो काफ़ी कन्वीनियंट है। और यहाँ पे जो गैप रहती थी वो भी उन्होंने क्लोज कर दी, ताकि वो और ना दिखे, अच्छा लग रहा है। ये जो फॉर्म है उसकी थिकनेस बढ़ाई हुई है, लेकिन सॉफ्टनेस पहले वाले से भी अच्छा है। पहले वाले में ये हमको लगता था ज़्यादा हैवी राइडर होगा, अभी इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और लास्ट एंड प्लेट दिया हुआ है, ताकि आप लोग उस पर सामान इजीली कैरी कर सको या फिर टॉप बॉक्स रख सको। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और इंजन पिछले वाले मॉडल जैसे सेम ही है, बट टेस्ट राइड के टाइम पे ये वाला इंजन काफ़ी रिफाइंड फील होता है। सो बिग थम्स अप टू आरी खुर्दैन। और गाइस, ये वाला हेलमेट हिमालयन के साथ आता है? आता नहीं है, वो कंपनी वालों के साथ अपना टर्म्स है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री है? यस।
सो थैंक्स टू हितेश भाई। ओके, तो बाइक की डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी है, ले लिया चमचमाती 2021 रॉयल एनफील्ड हिमालयन BS6 और उसका ऑन रोड प्राइस हुआ है 10 ईयर्स के साथ विद इंश्योरेंस विद RTO विद एवरीथिंग ऑन रोड प्राइस हुआ है 2,77,500 रुपीज़। एंड अगर 10 ईयर का सेटअप माइनस कर देते हैं तो 2,50,000 में आपकी बाइक कंप्लीट हो जाएगी। और अगर सर्विसिंग की बात करें तो पहले 1,000 किलोमीटर पे पहली सर्विस आएगी और बाकी जो सर्विस इंटरवल्स है वो सभी 5,000 किलोमीटर्स पे रखे गए हैं, वो सेम ही है BS3 BS4 सभी के। और अभी 2021 वाली हिमालयन लेके हम लोग राइड पे निकलते रहेंगे, तो वीडियोस देखते रहना। दैट्स इट, वीडियो इन्फॉर्मेशन सब कुछ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कुछ अभी भी छूट रहा है तो कमेंट में बता देना, उसका भी आंसर कर देंगे। और आपको BS6 हिमालयन वैल्यू फॉर मनी लगी कि नहीं, वर्थ इट है कि नहीं, वो कमेंट में बता देना। सो दैट्स इट, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप रोलिंग विद पीस ब्रो, पीस। वेट, थैंक यू बोलना है आपको। एक्चुअली रंगीला राजस्थान राइड की सीरीज जो मैंने प्रीवियसली अपलोड की है उसके कमेंट सेक्शन में क्या क्रेजी रिस्पॉन्स दिया है, दिल की झिलकी गहराइयों से आपको शुक्रिया। और मैंने भी डिसाइड किया है कि आपके जो कमेंट्स रहेंगे उसमें से 2-3 अच्छे वाले कमेंट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा ताकि आपको भी अच्छा लगेगा वीडियो में अपना कमेंट देखते हुए। लिटरली गाइस, आपके जो कुछ कमेंट्स रहते हैं ना बहुत ही मोटिवेट कर देते हैं, कुछ कमेंट पढ़ के बहुत हंसी भी आ जाती है। आर्टिस्ट को और क्या चाहिए, अप्रिसिएशन थोड़ा मिल जाए तो बहुत है। सो दैट्स इट, आ जाओ गले लग जाओ यार।